नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोग का स्वागत करता हूं। और हिस्ट्री का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हिस्ट्री में हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में कुछ विद्रोह किए थे, 1857 के विद्रोह के अलावा जो और भी महत्वपूर्ण विद्रोह थे 1757 से लेके 1857-58 के बीच के, उनको डिस्कस किया था। अब हम लोग आज एक बड़ा खास टॉपिक है, उस पर पूरा उसको फिनिश करते हैं कि भारतीय इतिहास में प्रेस या समाचार पत्र, इसके विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर काफी गतिविधियां हुई और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको कम्प्लीटली वाइंड अप कर दी जाए और इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए अगर तो सबसे पहले भारत में प्रेस को इवॉल्व करने का श्रेय पुर्तगीज को जाता है, पुर्तगाली लोगों को जाता है। और सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि 1557 के आसपास जो मिशनरीज थी, जो पोर्टुगीज मिशनरीज थी, उन लोगों ने छपाई शुरू की और इसी प्रकार से पुर्तगाली लोगों को उसका श्रेय दिया जाता है। 1557 में पहली बार भारत में गोवा में समाचार पत्रों की छपाई शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जो समाचार पत्र, जो पहला पत्र शुरू किया था 1684 में बॉम्बे में, मतलब छपाई का केंद्र खोला था, नॉट समाचार पत्र, छपाई का केंद्र, प्रिंटिंग का प्रेस, 1684 में बॉम्बे में। ठीक है, भारत में जेम्स ऑगस्ट हिस्की, जेम्स ऑगस्ट हिस्की, इनको माना जाता है कि वास्तविक रूप से इनकी देन थी इंडिया में न्यूज़पेपर्स को, समाचार पत्रों को शुरू करना। ऊपर जो मैंने लिखा है प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिखा है, लेकिन ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो जेम्स ऑगस्टस ने ही सबसे पहले न्यूज़पेपर का प्रोसेस शुरू किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले द बंगाल गजट शुरू किया गया। द बंगाल गजट इंपॉर्टेंट, द भी इंपॉर्टेंट है। 1782 में ही शुरू किया गया इसको, और 1780 में इसको शुरू किया गया था, 1782 में ये बंद हो गया था कई विवादों के कारण, जिसमें कि सरकार की आलोचनाएं होनी शुरू हो गई थी तो बंद करना पड़ गया। तो पहला भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, चाहे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चाहे इंडियन, पहली बार मतलब बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, द बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में शुरू हुआ, 1782 में बंद हो गया। 1780 में ही दूसरा न्यूज़पेपर शुरू हुआ, इंडिया गजट। कौन सा शुरू हुआ? इंडिया गजट, याद रखिएगा, बंगाल गजट और इंडिया गजट दोनों 1780 में ही शुरू हुए। भारत में प्रेस इवॉल्व ही हुई 1780 के आसपास। अभी इसके बाद 1784 के बाद कई सारे न्यूज़पेपर जगह जगह से बनने शुरू हो गए। न्यूज़पेपर्स को उसमें प्रिंटिंग का केंद्र अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से बंगाल का हिस्सा था, बिकॉज बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थे वहां के होने वाले डिसीजंस, इसलिए वहां पे न्यूज़पेपर्स इवॉल्व हुए। समाचार पत्रों का जो विकास है वो बंगाल के क्षेत्र में ज्यादा हुआ। 1784-85-86 के दौरान में कई सारे पेपर निकल गए। देखा जाए तो 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 में मद्रास कुरियर, 1785 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ इंडिया, 1784 में कलकत्ता गजट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये मैच द कॉलम में आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक एक इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैं लगा दिए हैं आपको सिस्टम के साथ। आप चाहे पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे ना तो चीजें गंदी हो जाएंगी और माइंड भी आपको चीजें समझ ना आए बाद में। तो इसके बाद पहले किसी इंडियन के द्वारा शुरू किया गया पहला पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। मैं इसीलिए बोला था कि ये द बंगाल गजट और ये बंगाल गजट, इसमें डिफरेंस है ना। पहला इंडियन जो न्यूज़पेपर था कौन सा था? बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में। और अपने आप में सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? द बंगाल गजट, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा था, जेम्स ऑगस्टस के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो बंगाल गजट किसने संपादन किया था, एडिटर कौन था इसका? गंगाधर भट्टाचार्य 1816 में। 1818 में क्रॉशीमैन ने समाचार दर्पण शुरू किया, क्रॉशीमैन, उसके बाद बर्मिंगम ब्रिटेन में ना सबसे पहले का केंद्र था सबसे ज्यादा समाचार पत्रों का, वहां से लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे। और 1818 में कलकत्ता जनरल निकाला गया जेम्स सिल्क बर्किंगम के द्वारा। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसमें इसके बाद से जो प्रशासन था उनको दिक्कतें महसूस होने लगी, जिसी के कारण कि 1823 वाले जब पढ़ेंगे, बहुत मेन जो गैग ऑर्डर आया था, जो प्रतिबंध, सबसे बड़ा प्रतिबंध जो लगा था 1823 में पहली बार भारतीय इतिहास में समाचार पत्रों पे, तो वो यहीं कहीं से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने आपका संवाद कौमुदी, फिर उसके बाद 1822 में एक फारसी भाषा का अखबार मिलातुल,
पब्लिश किया, दोनों बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। फिर इन्होंने राष्ट्रीय प्रेस की, इंडियन प्रेस की भी स्थापना की। तो न्यूज़पेपर में भी राजा राजा राम मोहन राय एज ए डिफरेंट चैप्टर हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे अगली वीडियोज में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में बता नहीं रहा हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ये हमको जानना जरूरी है। एक तो नेशनल प्रेस, उसके बाद संवाद कॉमेडी और मिरातुल फारसी भाषा के द्वारा, ये इनकी देन थी। इसके बाद और भी कई सारे न्यूज़पेपर या पब्लिशिंग के ऊपर उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर काम किया था। तो मुख्य रूप से अगर इसका ही हिस्सा देखा जाए तो संवाद कौमुदी, मिरातुल और राष्ट्रीय प्रेस, और दूसरों सब मिलकर चंद्रिका और ब्रह्मिकल ये मैगजीन्स भी निकाली थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन वाला सिस्टम क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आगे चले तो ईश्वरचंद विद्यासागर का आता है। ईश्वरचंद विद्यासागर का जो आता है सोम प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट था नील आंदोलन के दौरान, ये उभरा था और इसने बहुत तगड़ा सपोर्ट किया था नील आंदोलन को, जिसके कारण इसको कई बार समस्याएं भी आई, इसको पंजीकरण इनके रद्द होने हुए भी, वर्नाकुल एक्ट में भी ये लपेट में आए थे। सोम प्रकाश का जो ये जो अखबार था सोम प्रकाश, ये लपेट में आया था 1878 वाले वर्नाकुल प्रेस एक्ट में भी आया था लपेट में। इससे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था भारत का, उदंत मार्तंड, कई बार पेपर में आया हुआ है उदंत मार्तंड, जो कि जुगल किशोर के द्वारा संपादित था और पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलते हैं, मैंने बता दिया 1859 में सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कि विधवा पुनर्विवाह के प्रबल प्रवर्तक थे और उनकी वजह से विधवा पुनर्विवाह पर काफी कार्य हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। वो उन्होंने प्रकाशित किया सोम प्रकाश। इसका थीम बेसिकली इस न्यूज पेपर ने नील आंदोलन को लेके काफी लिखा और बड़ा फेमस हुआ। फिर उन्होंने कुछ समय नेक्स्ट ईयर 1860 में हिंदू पेट्रियाट को भी परचेस कर लिया। हिंदू पेट्रियाट दूसरे के द्वारा शुरू किया गया पेपर था, लेकिन हिंदू पेट्रियाट को उन्होंने परचेस करके और इसका भी संपादन करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों हिंदू पेट्रियाट और सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट 1868 में अमृत बाजार पत्रिका फेमस, अमृत बाजार पत्रिका आज भी फेमस है। ये आपने एबीपी न्यूज सुना है, अमृत बाजार पत्रिका वही है। इनका अपना आज भी न्यूज पर आता है द टेलीग्राफ, ये नहीं अमृत बाजार पत्रिका वालों का ही है। तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने शुरू की थी, ठीक है, बंगाल से हुआ ये भी। मोतीलाल घोष आज भी ये अपने अस्तित्व में है। 1862 में द टाइम्स ऑफ इंडिया, 1878 में स्टेट्समैन, एक बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट्समैन से शायद बंद हो गया या मिलता नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कोई कहने वाली बात नहीं है। फिर सुलभ समाचार पत्र, ये किसके द्वारा था, केशव चंद्र सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है सुलभ समाचार पत्र 1862 में इंदु प्रकाश, महादेव गोविंद रानाडी जी के द्वारा 1862 में इंदु प्रकाश। 1872 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के, सॉरी हरिश्चंद्र के द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 में। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड चालू हुआ। 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता के द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता। 1916 में न्यू इंडिया एनिमेशन के द्वारा। फिर 1919 और 1933 में यंग इंडिया और हरिजन गांधी जी के द्वारा। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाई हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, राइटर्स भी इनके संपादक भी पूछ लेते हैं और इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। फिर ये हरिजन, यंग इंडिया और ये न्यू इंडिया, इसमें कंफ्यूज होती है, बहुत ही बार पेपरों में आया हुआ है। नेक्स्ट है 1919 में द इंडिपेंडेंस शुरू किया मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था द इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1923 में हिंदुस्तान टाइम्स आया। वर्तमान में हिंदुस्तान टाइम्स के प्रमुख कौन है, शोभना भरतिया। 1912 में देखिए उर्दू अखबार के रूप में अल हिलाल और अल विलाग दोनों 1912-1913 में आए और दोनों के संपादक थे अबुल कलाम आजाद जी, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। अल हिलाल और अल विलाग दोनों 1912-1913 अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है 1913 में उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया सैन फ्रांसिस्को में गदर लाला हरदयाल के द्वारा। और 1914 में इसका पंजाबी वर्जन भारत में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए। अब ये अगर देखा जाए तो समाचार पत्रों का किस प्रकार से फेमस फेमस समाचार पत्र बने उनके बारे में था। अब हमको देखना है कि इन पर प्रतिबंध भी तो लगे होंगे या भारतीय समाचार पत्रों को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा होगा। लेकिन भारतीय समाचार पत्रों को रेगुलेट करने के लिए भी क्योंकि कई सारे नियम कानून आए, उसमें से बहुत सारे नियम कानून भारतीयों के भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पे एक आघात थे या हमले की तरह काम किए, खास तौर से जो शुरुआत में जो आए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले समाचार पत्रों को सेंसर करने का काम, लॉर्ड वेलेजिली ने किया। किसने किया, लॉर्ड वेलेजिली ने किया।
लॉर्ड वेलेजली 1799 के आसपास, 1799 के आसपास, और पहला सेंसरशिप एक्ट आया जिसके अंतर्गत बिना सरकार की परमिशन के आप कुछ भी ऐसी सामग्री नहीं छाप सकते हैं, है ना, सरकार को सेंसर करने का पूरा राइट है, और इसका नाम दिया गया द सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799, है ना, 1799 में। इसके तहत मतलब आपको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि आप छाप रहे हैं, और सरकार के पास पूरा राइट है कि वो आपके समाचार पत्र का पंजीकरण रद्द कर सकता है, ठीक है। इसके बाद चीजें कुछ 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 टाइम आगे बढ़ा, फिर बड़ा काला समय आया 1823 में, जब कार्यवाहक के गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उन्होंने पूरी तरह से सेंसर कर दिया, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी चीज लिखता है, सरकार विरोधी चीज, तो उसकी उसके पंजीकरण नष्ट हो जाएगा, जुर्माने लगा दिए गए, और नियमों को इतना सख्त बना दिया गया कि किसी प्रकार से ये समाचार पत्र प्लेटफॉर्म ना बन पाए लोगों की भावनाओं को उजागर करने के लिए। और इस एक्ट का नाम था द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग रेगुलेशन एक्ट, नाम से तो था कि ये सबको भाई नियम कानून के तहत लाया जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत नियम कानून इतने सख्त कर दिए गए कि एक प्रकार से ये सेंसरशिप एक्ट के रूप में काम करने लगा, नियंत्रण के रूप में। लेकिन इसका नाम क्या था, तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने दिया था, जॉन एडम्स ने दिया था, जॉन एडम्स ने, ठीक है। ये 1823 में, ये अगर देखा जाए तो पहला गैग ऑर्डर था, पहला भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के ऊपर आघात करने वाला पहला था, पहला ऑर्डर था। सीधा आघात, हाँ। इसके बाद 1833 में आया लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का उदारीकरण का काल, जो कि जाता है, जिसका श्रेय भारतीय प्रेस को आजादी दी गई, और वो जाता है श्रेय चार्ल्स मेटकॉफ को, किसको जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। और एक्ट आया था लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1833 में, द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1933, ये चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लाया गया। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है। इसमें मतलब उदारीकरण किया गया, नियम कानून आसान कर दिए गए और सख्ती कम की गई, एक तरह से खुला माहौल दिया गया भारतीय समाचार पत्रों को ग्रो करने का और अपनी बातों को आजाद रूप से रखने का। तो अगर देखा जाए तो चार्ल्स मेटकॉफ को उदारी भारतीय समाचार पत्र के क्षेत्र में उदारीकरण का जनक माना जाएगा 1833। इसके बाद फिर आ गया 1857, 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट आया फिर से प्रेस के लिए, 1857 में प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट आ गया। क्यों भाई, उस समय विद्रोह चल रहा था, तो तुरंत लाइसेंसिंग कर देगी कि बिना लाइसेंस के जो भी समाचार पत्र में बैन हो जाएंगे और उसके अंदर जुर्माने बढ़ा देगा, ताकि कोई भी समाचार पत्र ऐसा माहौल खराब ना कर पाए जिसके कारण कि विद्रोह और पनप सके। तो 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट आया, फिर 1867 में एक और एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब तक जितने हमने डिस्कस किए हैं ना, उसमें 1867 का पंजीकरण, प्रेस पंजीकरण अधिनियम, इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ सारे समाचार पत्रों का, और इसके अंतर्गत राजद्रोह वगैरह की परिभाषाएं डिस्कस हुई। इसी में अनुच्छेद धारा 124 और 124A के तहत अगर आप कोई भी सरकार या सत्ता के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या कोई बात लिखते हैं तो वो राजद्रोह माना जाता था, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था 124 और 124A, इसको दंड संहिता में जोड़ा गया, और इसके तहत सजा का प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी अगर इस तरह का कृत्य करता है समाचार पत्रों के द्वारा, जिससे कि जो कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, लोगों को चाहे भड़काना हो चाहे इस तरह की एक्टिविटी जिससे कि सरकार के विपक्ष में आप खड़े दिखते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तो आपके ऊपर ये धाराएं लागू हो सकती हैं जिसके अंतर्गत आपको कारावास तक की व्यवस्था की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया, बाकी 1867 का जो पंजीकरण एक्ट है अभी तक भी वो यूज होता था, जिसके ऊपर काफी बातें चल रही थी कि भाई इसको सॉरी कि इसको
खत्म किया जाए तो 1867 का पंजीकरण एक्ट खासतौर से आर्टिकल 124 आईपीसी 124 और 124A इसी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, इसके बाद आया बहुत बदनाम बड़ा फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिसमें ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से भारतीय ये काला अध्याय था भारतीय समाचार पत्रों के काल में, क्योंकि ये वो समय था जबकि भारतीय समाचार पत्र आलोचना करने लग गए थे ब्रिटिशर्स की, जिसमें कि 1877 में एक साल पहले जो दिल्ली दरबार लगा था पहला, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा हुआ था, महारानी को साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो उसकी आलोचना हुई 76 से 78 के बीच में। अकाल से बहुत लोग मरे थे बंगाल में भी, और उसके कारण सरकार निष्क्रिय थी, उस पर कुछ कार्य नहीं कर रही थी, इसके कारण सरकार को बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी समाचार पत्रों में। तो सरकार को जरूरत महसूस हुई कि भाई कुछ ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके अंतर्गत इनको गैग किया जा सके। ये एक प्रकार का गैग एक्ट था, गैगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला, काला कानून है ना। इसका बहुत भारी स्तर में विरोध हुआ, और इसी कारण से 1878 में ही लॉर्ड रिपन ने इसको वापस ले लिया। लॉर्ड लिटन लेके आया और लॉर्ड रिपन वापस किया इसको, खत्म किया इसको। ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर एक्ट ये एक प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला था और प्रेस की स्वतंत्रता को क्षीण करता था, कम करता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। डन हो गया। इसके बाद 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया, भारतीय प्रेस अधिनियम। इसमें 78 वाली बातें फिर लाने की कोशिश की गई, 1878 वाली जो गैगिंग चीज थी, जो प्रतिबंधित करने वाली चीज थी, फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। बिकॉज 1910 के आसपास ऐसा मैं देखी आप स्वदेशी आंदोलन हुआ था और हो रहा था, और काफी ज्यादा तनाव था ब्रिटिश सरकार के ऊपर, जिसके अंतर्गत कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे कि आंदोलन मजबूत ना हो सके, लोगों में एकीकरण मजबूत ना हो सके, इसलिए एक द्वारा लाया गया। जैसे वर्नाकुलर एक्ट की कई सारी चीजें थी और ज्यादा उसको बढ़ा दी, जुर्माना जैसे कि 4,000 से बढ़ा के 500, फिर 2,000 और फिर 10,000 तक री रजिस्ट्रेशन की फीस रख दी गई थी। तो मतलब क्या नियम कानून सख्त किए जा रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन कभी खत्म कर देंगे, जल्दी रिन्यू नहीं होगा, रिन्यू होगा तो बहुत पैसा लगेगा। 1910 का एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को 1921 में एबॉलिश किया गया, तेज बहादुर सप्रू की कमेटी थी, उनकी कमेटी की सिफारिश पे। तेज बहादुर सप्रू की कमेटी थी जिसके अंतर्गत उसने कहा कि भाई इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, और उनकी सिफारिश से भारत सरकार ने फिर इसको खत्म किया। तो 1921 में 1910 वाला एक्ट खत्म हो गया, समझ रहे बात को, डन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 1931 का इंडियन प्रेस इमरजेंसी वाला, मतलब ये इमरजेंसी में लाया गया था। इसके अंदर 1931 में गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेकार हो गया था, शहीदी दिवस भी उसी साल शुरू हुआ था कि भगत सिंह को फांसी हुई, क्राइम मतलब कि सोशलिस्ट आंध्र रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा तेज पड़े थे, उग्रवाद बहुत तेज था, गांधी जी का आंदोलन इधर बहुत तेजी से चल रहा था, जिसके कारण प्रेस में के लिए एक मजबूत एक्ट लाने की आवश्यकता थी जिसके अंतर्गत बहुत तेजी से दबाया जा सके इन आवाजों को, और इसके लिए इमरजेंसी एक्ट लाया गया इंडियन प्रेस का। हाँ, और जैसे शक्ति बढ़ती गई भारतीय प्रेस में, बड़ी शक्ति बढ़ती गई, जिसके अंतर्गत बंद कर मतलब समाचार पत्र बंद कर दे तक की जाती थी और साथ में जेल तक की भी की जाती थी। ये कब आया? 1931 में, ठीक है। क्या बोला गया इसको? इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इसके बाद 1947 में अगर मैं देखूं, 1947 में समाचार जांच कमेटी बनी, न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जांच। इसमें क्या था कि भारत में संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया था, संविधान सभा अपना काम कर रही थी और लगभग कार्य को पूरा करने जा रही थी, और उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट बनाए थे, संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट प्रपोज किए थे ना, तो उसे बोला गया भाई कि फंडामेंटल राइट जो हमको मिले हैं उसके अंतर्गत समाचार पत्रों पे कितनी
नकेल कसी जाए, कितनी आजादी दी जाए, इसके ऊपर कुछ जांच होनी चाहिए। और इसके अंदर यदि जांच के अंतर्गत पाया गया कि भाई कुछ लॉज को ना खत्म करना जरूरी है, जैसे कि 1931 वाला जो लॉज था, 1931 में एक आर्टिकल 4 था, 1931 का जो कानून था ना उसमें आर्टिकल 4 बड़ा फेमस हुआ था, जिसके अंदर कठोर कारावास मिल सकता था है ना विद्रोह करने पे या कुछ सरकार के अगेंस्ट लिखने पे, उसको खत्म किया जाए। फिर 1867 वाले में 1867 का आर्टिकल 124 खत्म किया जाए, 124A खत्म किया जाए, ये सारा कुछ इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में निकला 1947 की म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंतर्गत। ठीक है, मुख्य रोल क्या था इसका कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इसको कैसे मोल्ड किया जाए, इसको अधिकारों से कैसे लिंक किया जाए और प्रेस को कितनी आजादी दी जाए, और इसके अंतर्गत प्रेस की जो पुरानी रूढ़ियां थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर बाद में 1951 में उत्तरदायित्व, न्यूज समाचार पत्रों का उत्तरदायित्व एक्ट करके आया, जिसमें की चीजें फिर थोड़ी सी रिफॉर्म हुई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। और आई होप कि आपकी सारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो भारतीय इतिहास में न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को लेकर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू।